क्या लोग ऐसे लकी की सकते हो? सब लोग की सकते हो? ये कितना है? क्या ऐसे लकी की सकते हो? क्या ऐसे की सकते हो? क्या ऐसे लकी की सकते हो? वेरी गुड। अब देखना ऐसे करके ऐसे की सकते हो? ऐसे की सकते हो? ऐसे की सकते हो? ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे क्या बन गया? गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो भैया? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे और कुशल मंगल लोग भैया। तो भैया फाइनली हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारा जो स्कूल का इंटर्नशिप है, ठीक है, तो एक दिन का हमारा इंटर्नशिप का जो सुबह से लेकर शाम तक की जो रूटीन रहता है भैया, ठीक है, वो कैसा है आप लोगों के सामने हम छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू शेयर करेंगे भैया, ठीक है, ताकि आप लोग भी जान पाओ कि किस प्रकार से आपका अगर जो इंटर्नशिप में जाते हो तो वो कैसा रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले भैया देखो, स्कूल में जाने से पहले आपको एक दिन पहले दैनिक शिक्षण योजना बनाने पड़ते हैं। अर्थात ये है कि अगर आपको कल जाने हैं स्कूल तो उससे पहले आपको एक योजना बनाना होगा, दैनिक शिक्षण योजना जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा भैया कि सबसे पहले आपको योजना बनाना है कि आप कौन कौन से क्लास में जाने वाले हो, ठीक है। तो सबसे पहले अपना चलो जो एक दिन का मेरा दैनिक शिक्षण योजना है वो बता दो। हमको आज सुबह जाना है सीधे सीधे की क्लास जाना है और तीसरी क्लास में एक जाना है, तीसरी में जाना है भैया हमको। सबसे पहला हिंदी क्लास होगा तो हिंदी का लेना है, पार्ट 13 पढ़ाना है हमको हिंदी का, उसका दैनिक शिक्षण योजना फाइनली मैं बना चुका हूँ। उसके बाद जाना है भैया मेरे को पहली क्लास में जाना है, ठीक है, वहाँ बच्चों को फिलहाल के लिए ड्राइंग सिखाना है हमको, और ड्राइंग में क्या क्या सिखाना है, कुछ कुछ नंबर के थ्रू जो अलग अलग ड्राइंग बना सकते हैं, कुछ क्रिएटिविटी भैया, ताकि बच्चे लोग जो भी रहे ना ऐसा ड्राइंग बनाओ जिससे आपको भैया एकदम बच्चे लोग जो रहे वो एक्साइटमेंट रहे, ताकि हाँ कि आगे क्या बनने वाला है ये देख कर सब लोग शांत भी रहे और एक्साइटमेंट रहे, तो ऐसा ड्राइंग बनाएंगे भैया, ठीक है हम लोग। और उसके अलावा हम जाएंगे चौथी क्लास में जाएंगे भैया, ठीक है, चौथी क्लास में जाकर वहाँ भी हिंदी का पार्ट लेना है हमको, ठीक है। तो उसको चौथी क्लास में तीनों के तीनों का हमारा दैनिक शिक्षण योजना फाइनली बन चुका है, और फिलहाल के लिए क्लास में जाएंगे और क्लास में क्या पढ़ाते हैं वो देखेंगे भैया, ठीक है। और वहाँ का भी हो सके तो कुछ शॉर्ट्स वीडियोस आपको भी दिखाएंगे, और उससे भी पहले भैया, ठीक है, हमारा जो स्कूल का चयन वाली बात है ना, तो हमारा जो स्कूल का चयन है वो हमारे जो रूम है भैया उसके जस्ट सामने में एक स्कूल है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल है वो भी प्राइमरी का, लेकिन हम उनको ले सकते थे, ठीक है, लेकिन हम उसको नहीं लिए, हम 3 किलोमीटर दूर लिए स्कूल। क्या है कि भैया देखो, जिसमें आपका फ्रेंड लोग जाते होंगे, ठीक है, जिसमें आपको पढ़ाने में कंफर्ट है, मतलब आपके दोस्तों के साथ रहते रहते मतलब आपको जो अच्छा लगे, ठीक है, वो स्कूल ले लो, ये ज़रूरी नहीं कि पास में है या दूर में है। तो हमको अपने दोस्तों के साथ जाना काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए भैया हम थोड़े से दूर ही जाते हैं, ठीक है, और वहाँ सभी लोग दोस्त मिलकर अलग अलग टाइप से हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे मैं हिंदी पढ़ा लेता हूँ, इंग्लिश पढ़ा लेता हूँ, मतलब कंपलसरी आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है, और चाहो तो आप अलग अलग क्लासेस बदल बदल के पढ़ा सकते हो, ठीक है, मतलब अलग अलग पढ़ाने का मतलब ये है भैया कि आप छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बच्चों को किस प्रकार से आप हैंडल करते हो, ठीक है। उससे पहले सबसे पहले अगर कहीं आप जाना चाहोगे ना क्लासेस में, तो पहला क्लास हो सके तो बोलना वहाँ की जो मैडम होगी ना, जो वहाँ परमानेंट पढ़ाते होंगे स्थायी रूप से, तो उनको पहला क्लास लेने के लिए बोल देना भैया, और पीछे में आप बढ़िया सा बैठ के अवलोकन करना, जैसे हम लोग करते हैं कि पहला क्लास जो होता है वो किसी भी मैडम को बुला लेते हैं और उसको पढ़ाने के लिए बोलते हैं, और जब वो पढ़ाता है तो हम उसका अवलोकन करते हैं, मतलब अवलोकन के रिटर्न में नहीं लिखते भैया, ठीक है, हम लोग सिर्फ ये जांच करते हैं कि मैडम किस प्रकार से पढ़ाती है, कैसे कैसे पढ़ाती है, और उसके पढ़ाने से बच्चे लोग क्या क्या सीख पाते हैं, और वो मैडम जो है सभी को कैसे एकत्र कर पाते हैं, मतलब शांत करा पाते हैं, उसके पढ़ाने के तरीकों को हम ऑब्जर्व करते हैं और अपने जो पढ़ाई है ना उसके रूटीन में हम लाते हैं भैया, क्योंकि हमको यही तो सीखने जाना है ना, यही तो हमको सीखने हैं, क्योंकि कैसे कैसे पढ़ाते हैं, क्योंकि देखिए भैया जो उनके टीचर होंगे जो पहले से पढ़ाते हैं वो पहले से बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस वाले, किसी को 5 साल किसी को 10 साल अलग अलग हो गए, तो वो बच्चे को अच्छे से हैंडल करना जानते हैं, इसलिए पहला क्लास उन्हीं को बोलते हैं कि पहला क्लास आप ही लीजिए मैडम, उसके बाद हम आपको ऑब्जर्व करेंगे, और ऑब्जर्व करने के बाद आप कैसे हैंडल करते हैं उसको, उनके जो गुण है उसको हम सीखेंगे और उस प्रकार से हम लोग भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ऐसा हमारा पहला क्लास होता है, उसके बाद पहले क्लासेस के बाद दूसरा क्लास में हम जाते हैं पढ़ाने के लिए और पढ़ाते हैं वहाँ की कैसे कैसे प्रॉब्लम पढ़ाते हैं, ठीक है। और जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं तो अपने एक सहपाठी अर्थात जो हमारी छात्र अध्यापक है उनको भी बुला लेते हैं और पीछे में बैठाते हैं, और पीछे में बैठाने का मतलब ये होता है कि आप किस प्रकार से उनको पढ़ाते हो उनको ऑब्जर्व करेगा वो, ताकि आप कोई गलती कर रहे हो या किसी प्रकार का मिस्टेक कर रहे हो तो वो आपको बताएगा, क्लास में नहीं भैया, ठीक है, क्लास के बाहर, कि आप कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हो और कौन कौन से आपके जो तरीके हैं जो एक टीचर में नहीं होने चाहिए, तो वो आपको पढ़ाने का तरीका भी बताएंगे कि आप कैसे कैसे पढ़ाते हो, तो इससे आपको क्या होगा
कि आप जान पाओगे वास्तविकता में कि आपका गुण क्या है और आपका दोष क्या है, मतलब जो गुण है उसको और कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, और जो बैड हैबिट मतलब थोड़े से गलत तरीके होंगे उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हो, तो वो सब आपको सिखाए जाएंगे। इससे आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। एक तो आपका अवलोकन भराया जाएगा, ठीक है, सत्रगत जो कार्य है वो हो जाएगा, और दूसरा एक काम ये होगा भैया कि आपका दोनों को दोनों कार्य जो सत्रगत कार्य और दोनों आपका जो एबिलिटी है वो भी इम्प्रूव होता रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो एक्टिविटीज़ होता है वो होता है भैया, ठीक है। तो फाइनली अब मैं जा रहा हूँ अपना स्कूल, और स्कूल में हम लोग क्या क्या पढ़ाएंगे वो आपको मेरे साथ शेयर करेंगे, ठीक है, देख लेना, और उसके बाद फिर बताएंगे क्या होता है सीन में, ठीक है भैया। चलो मिलते हैं स्कूल में। A few moments later. देखो देखो, क्या आप लोग ऐसे लड़की खींच सकते हो? सब लोग खींच सकते हो? ये कितना है? क्या ऐसे लड़की खींच सकते हो? क्या ऐसे खींच सकते हो आप लोग? क्या ऐसे लड़की खींच सकते हो? अब देखना, ऐसे करके ऐसे खींच सकते हो? ऐसे खींच सकते हो? ऐसे की सकते हो? ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे, क्या बन गया? रंगोली। और फूल, और इसको डिजाइन बनाएंगे। एक मिनट टीचर, एक मिनट देखना, और इसको ऐसे डिजाइन बनाएंगे, ठीक है। तो कैसे लगती की सकते हो? ऐसे ऐसे, बहुत बढ़िया। क्या बन गया? रंगोली वाला फूल। अब ये क्या है बताओ? दो। क्या तुम लोग इसे ऐसे खींच सकते हो? क्या उसके बाद ऐसे खींच सकते हो? उसके बाद ऐसे खींच सकते हो? ऐसे ऐसे बना सकते हो? ऐसे क्या ऐसे थोड़ा खींच सकते हो? ऐसे खींच सकते हो? ऐसे क्या बन गया? अच्छा, उसके बाद बताना ये कितना है? ऐसे 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 हम बना सकते हो? ऐसे मुंह, बहुत बढ़िया। और ऐसे कुछ बना सकते हो? क्या बन गया? क्या वो भी बना सकते हो ऐसा? तो जल्दी से अपना अपना स्लेट और कॉपी निकालो और हमको एक एक बना करके दिखाओ, ठीक है। और कोई हमला नहीं करेगा, ठीक है। ये क्या बने हैं? रंगोली वाला फूल। ये क्या है? ब्यूटीफुल है। कैसा है? सुंदर है। क्या है? तो आप लोग भी ऐसे बनाओगे और हमको दिखाओगे। कैसा बनाओगे? ऐसा बनाओगे, ठीक है। मजा आएगा। आप लोग जल्दी और ठीक है। चलो जल्दी स्टार्ट करो बनाने के लिए। और सुनो 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 सुनो, कोई भी हल्ला नहीं करेगा, ठीक है। जो हल्ला नहीं करेगा और अच्छा बनाएगा तो कुछ उपहार मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद डांस करो, उसके बाद हम लोग डांस करेंगे। और जो हल्ला करेगा उसको हम बदलू लेंगे।
1 hour later. तो भैया देखो, फाइनली मैं स्कूल से घर आ चुके हैं भैया, ठीक है। और आते आते यार बहुत टायर्ड हो चुके हैं। कहा है कि यार पूरा के पूरा यार सुबह से लेकर 12 बजे तक की फ्रस्ट्रेशन थोड़ा सा लगा थे, लेकिन फिर भी कैसे करोगे, मैनेज तो करना पड़ेगा एज अ टीचर, ठीक है। तो भैया फाइनली हम आ चुके हैं अपना रूम की ओर, और रूम में फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा आराम वगैरह करेंगे, और उसके अलावा फ़िलहाल के लिए हमारा खाना भी बन रहा है, ठीक है। तो यार रूम में रहते हैं हम लोग दो जने, तो फिलहाल इतना तो करना पड़ेगा कि खाना वाना सब बनाएंगे। फ़िलहाल के लिए हमारे जो रूम पार्टनर है वो बना रहे हैं हमारे लिए खाना फ़िलहाल के लिए, ठीक है। और खाना बनते बनते तक कि आपको कुछ बता दे, ठीक है, तब हमने सोचा भैया, ठीक है। और भैया सबसे पहले सुनो, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना भैया, ठीक है। कहें कि इतने सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है भैया, तो हमारा भी एक हक तो बनता है यार कि आपको इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट करें, ठीक है भैया। तो यार फाइनली हम लोगों ने क्लासेस को ले लिए, तीसरी में गए थे, पहली में गए थे और चौथी में भी गए थे। तीसरी में बढ़िया सा कुछ नया क्रिएटिविटी के लिए ड्राइंग वगैरह बढ़िया सा भी सिखा दिए, ठीक है। और अपना जो काम था वो पूरा हो गया भैया, और अब हमको भैया दैनिक शिक्षण योजना तो बन गया, और इसके अलावा अब बनाना है हमको। सीटी बज रहा है भैया, देखो हमारे कुकर का दाल वाल चढ़ा इसलिए, ठीक है। तो भैया देखो, इसके अलावा हमको अब असाइनमेंट लिखना है भैया, पूरे के पूरे 11 सब्जेक्ट का, ठीक है। तो इतने सारे असाइनमेंट लिखना है, बहुत सारे काम है हमारे। और हमारा जो प्राइमरी स्कूल है उसमें कम से कम अब एक हफ्ते का और बचा भैया, उसके बाद प्राइमरी ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग जाएंगे कॉलेज एक महीने के लिए, और उसके बाद एक महीने के बाद फिर हम लोग जाएंगे मिडिल स्कूल। मिडिल स्कूल में लगभग हम लोग का 45 दिनों का फिर है, वहाँ जाएंगे, वहाँ भी कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ कराएंगे भैया, ठीक है। फिर हमारा कुकर भैया वेल टायर्ड टू फील कर रहे हैं, लेकिन एक बात की खुशी भी होती है भैया कि यार एज अ टीचर के रूप में आप जा रहे हो, अच्छे से पढ़ा रहे हो, और अपने आप को भी एक टीचर के रूप में मान रहे हो भैया, ठीक है। और भैया इस कोर्सेज से जुड़े, अर्थात भैया डीएलएड कोर्सेज से जुड़े किसी भी प्रकार के आपका क्वेश्चन हो तो बेशक कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट को पढ़ेंगे और बेशक उसका रिप्लाई करेंगे भैया, ठीक है। और रही बात भैया नंबरों की, यार आप लोग कमेंट कर करके नंबर मांगते हो यार, YouTube के प्रोटोकॉल में नहीं है यार कि हम आपको नंबर पर्सनली दें। अगर चाहते हो कि हाँ यार कांटेक्ट करना चाहते हो तो Instagram में आइए भैया, इंस्टा में हम लोग मिलेंगे और बात भी करेंगे, और वहाँ आपको हम बेझिझक नंबर भी दे सकते हैं भैया अपना, ठीक है। तो भैया आज है शुक्रवार, और शुक्रवार के आज का दिन पूरे के पूरे हमारे ख़त्म हो चुका है, और कल शनिवार है भैया, मतलब बैगलेस डे है। अर्थात ये है कि अगर बैगलेस डे भैया तो बिना बैग के बच्चे आएंगे, और उनको हम लोग को कुछ कुछ एक्टिविटी कराना पड़ेगा भैया, मतलब लर्निंग से रिलेटेड, मतलब खेल खेल में बच्चे सीख सके ऐसा हम लोग को जो एक्टिविटी है वो सर्च करके जाना पड़ेगा भैया, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले सर्च करेंगे, उसके बाद कुछ नया खेल देखेंगे और उस बच्चे को खिलाएंगे, ताकि उनका मनोरंजन की मनोरंजन हो जाए, और बच्चे लोग पढ़ने से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर सीख सके भैया। तो ऐसा कुछ हम लोग लेकर सीख कर जाएंगे और बच्चों को वहाँ सिखाएंगे भैया, ठीक है। और रही बात भैया जो अभी लोग सेकंड काउंसलिंग में डालो हो उनका, तो भैया सेकंड काउंसिल का 6 तारीख अर्थात आज ही आने वाला भैया, दोपहर 12 बजे के बाद आ जाएगा। जिसका जिसका लिस्ट में नाम आएगा देख लेना भैया, नहीं आएगा तो हमको कमेंट कर देना, हम बता देंगे किसका किसका कौन से कॉलेज में लिस्ट आया, ठीक है। और जिनका आया है बिल्कुल बढ़िया, 10 तारीख को जाना और जा करके अपना वहाँ एडमिशन ले लेना भैया, और बढ़िया सा एज अ टीचर के रूप में मन लगाकर पढ़ना भैया, और थोड़ा सा अच्छे टीचर के रूप में अच्छे बनना। और भैया फाइनली हम मानते हैं यार एज अ टीचर एक रिस्पॉन्सिबल जो जॉब होता है, ठीक है, एक जॉब के रूप में मत देखना भैया, एक रिस्पॉन्सिबल जो होता है ना प्रोफेशन, इसके रूप में देखना भैया। तो यार हम तो टीचर ही बनना चाहते हैं यार, एक बढ़िया वाला, और आप बनना चाहते हो नहीं बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, और बनना चाहते हो तो भैया किस टाइप से आप टीचर बनना चाहते हो, मतलब एक उच्च कैटेगरी का होता है ना, जैसे कि अपना खान सर, और भी अलग अलग है, मतलब जहाँ भी जाए अपना खुशबू बिखेरते हुए जाए भैया, इस प्रकार के हम टीचर बनना चाहते हो, और आप किस प्रकार के टीचर बनना चाहते हो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा भैया, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार किसी नेक्स्ट वीडियो में, और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देना भैया, और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इस प्रकार की जब भी लेटेस्ट वीडियोस लेकर आए सबसे पहले आप तक की पहुंचे भैया, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियोस पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।